नमस्कार दोस्तों, को लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नीतीश गुप्ता। भारत जो कृषि कानून पास हुआ है उसके किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं उसके खिलाफ, और इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, और हमारे साथ इस समय भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आंदोलन कब तक जारी रहेगा। राकेश जी, किसके खिलाफ ये आंदोलन है और कब तक जारी रहेगा? ये खिलाफ ना किसी का भी आंदोलन, हमारा जो हक है उसकी बात करने यहाँ पे आए हम। हाँ, सरकार से जो हमारी डिमांड है उसको मनवाने आए। नहीं, आज बातचीत में कहा गया है कि कल बैठक में आप लोग भी शामिल होंगे जब सरकार से बातचीत होगी इस बारे में लेके। क्या तीनों, फिर यही आप लोग की अपील रहेगी कि तीनों कानून जो है पूर्ण तरीके से वापस हो या फिर कुछ और वापसी होगी। अच्छा, बाकी और क्या आपकी अपील है सरकार से और क्या मांग है? MSP पर कानून बना दो जी, जो पुराली है इस पर बना दो, बिजली का रेट एक कर दो। तो बहुत से सवाल है, जब सरकार बैठेगी बात कर लेंगे। अच्छा, अभी तक क्या आपको लगता है कि राजनाथ सिंह से लेके गृह मंत्री अमित शाह तक भी बातचीत कर सकें, कोई हल निकला है अभी? हम तो वे कर दो, बातचीत की जरूरत ही नहीं है। जब उनमें काम करने की वो आ जाएगी कि हमको करना है, तो ये समाधान जब होगा। अभी वो क्षमता ही नहीं उनमें, अभी उनकी सोच नहीं डेवलप हुई कि हम काम करेंगे। सोच नहीं डेवलप हुई। इशू हॉस्पिटल, जिसमें मौजूद है 24 घंटे वेंटिलेटर की सुविधा, जाने माने न्यूरोसर्जन, डायलिसिस की सुविधा, पैथोलॉजी एवं एम्बुलेंस की सुविधा। हमारा पता है NH27 हाईवे पैडलेगंज गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9721187070। बाकी क्या लगता है कि अगर सरकार नहीं मानती है, कहती है कि बिल वापस नहीं, कुछ संशोधन जरूर कर देंगे, तब भी आप लोग यूं ही डटे? हम तो यही है, अभी नहीं जाते, हम यही रहेंगे। तैयारियां पूरी हैं? हाँ, पूरी तैयारी है, पूरी है तैयारी। गांव के लोग आवेंगे, सलामत बड़ा करेंगे कल, कैसे और घेरना है सरकार को। अच्छा, पूर्वांचल के किसानों से क्या अपील है आपकी? जब उनको बताओगे तैयार रहें, वही आंदोलन कर लेंगे वे पूर्वांचल में। आप अच्छा, एक और आरोप है सरकार का कि विपक्षी पार्टियां किसानों को बरगला रही हैं, खासकर उन किसानों को जो कांग्रेस शासित प्रदेश में है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? ना, ये ज्यादातर वो किसान हुए जिन्होंने बीजेपी को वोट दी। हाँ, ये तो उन्हीं के तो लोग है, भैया इनसे हाथ उठवा लेते हैं, भाई वोट किसे दी थी? ये वही तो है, ये वोट का ही तो हिसाब मांगने हैं भाई। वोट दी उन्हें, माल मार के बंदर और कुत्तों को फांसी, ये कहां से होगा भाई? वोट तो इन्होंने दी बीजेपी को, और कह रहे कि ये कांग्रेसी है। ये नहीं होगा, अब ये अपना हिसाब किताब मांगने आए। अच्छा, जो सरकार कह रही है कि ये जो कृषि कानून आया है वो किसानों के हित में है, किसान इससे भ्रमित ना हो, कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं, क्या आप भी ऐसा मानते हैं, भ्रमित कर रहे हैं कुछ पार्टियां? यहाँ तो न्याय कि तो किसान होशियार है, जो उनसे आधे रेट में अपनी फसल को बेच कर आ रहा, तो भ्रमित कहाँ हो रहा भाई? जिनका गन्ने का भुगतान नहीं हुआ भाई, ये रे मैं हूँ यशपाल सरदार भारतपुर से। हाँ, गन्ने का भुगतान कितना रह रहा अभी? हाँ, पिछले साल का गन्ना, क्या कोई चीज ऐसी है? 11 अप्रैल लोग आया जी मावना मिल में, 11 अप्रैल लग का भुगतान आया, 1 अप्रैल कब था दूसरी सीजन आ गया? अभी तो भाव भी नहीं, और भाव उस पर दिया नहीं, कोई ऐसी भी आदमी दे क्या पर्ची के भाव तय ना हो, फसल ले लो। अगर कोई हो तो भाई बताओ, आप नौकरी कर रहे कहीं और आपको कह दें नौकरी करो और सैलरी बता देंगे कब देनी, अगर कोई ऐसा मामला हो तो भाई दूसरा किस्सा हिंदुस्तान में हो तो बताना हमें कोई ऐसा। हाँ, चलिए आखिरी सवाल, आंदोलन कब तक जारी रहेगा? आंदोलन का क्या पता, मैं क्या यहाँ का नब्जी हकीम हूँ, पकड़ती बता दूंगा किसानों को कब तक चलेगा ये चला होगा। नहीं, सरकार अगर ये तीनों कानून वापस ले ले तो फिर हम भी अपना घर चले जाएंगे। संशोधन की बात करती है तो ना, ना यही रहेंगे फिर, संशोधन में कोई यही रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत जी, जिनका साफ कहना था कि तीनों कानून पूर्ण तरीके से अगर सरकार वापस नहीं लेती तब तक हम यूं ही डटे रहेंगे। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे ग्रुप को लाइव। धन्यवाद।